पंचायत निर्वाचन में पराजित प्रार्थी पर महिला उग्रकांड पुलिस निरपेक्ष तदंत दृढ़ कार्यानुषान दावी कले प्रिमपुरा पंचायतवासी। पंचायत स्तर राजनीति में पराजयर ग्लानी को नहीं आरंभ हो तिक्तता क्रमश उग्र रूप ने एमती एक घटना देखा मिली रेमुणा ब्लक भीमपुरा पंचायत भीमपुरा छक कार पार्किंग को नहीं आरंभ होता बचसा उभय पक्ष एवं थाना द्वारस्थ होती तेरे कार पार्किंग कराइथिबा जनक महिला भीमपुरा पंचायतर सरपंच रीतांजलि पलई स्वामी विजय कुमार पलई नाम एतला दीता बेले विजय मध्य संप्रक्त महिला विरोध में थाना पालटा अभियोग कर राजनीति में पराजय को नहीं बारंबार होता यह घटनार उचित तदंत कार्यानुष्ठान ग्रहण पर आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में श्री पलई दावी कर अभियोग अनुसार गत दुई तारीख सकाल प्राय आठटा समय भीमपुरा छक निकट में एक लाली रंगर कार रास्ता अवरोध कर ढाहवा जो रास्त भिड़ हो रास्ता जाम देखि लाली रंगर कार कहार बोली पचार जे भद्र महिला कार बोली कहते रास्तु कार्टी को सैड करने को से अनुरोध करने मात्र महिला जनक हठात उत्क्षिप्त हो अति उच्च स्वर से गाड़ी गुलज करने सहित निज चपल उठाई मारक उद्यम करते एपरिकी अभद्रामी आचरण को विरोध करुवा अन्य दुईज व्यक्ति महिला जनक आक्रमण करने को पछाइन तेरे पर महिला परिचय खोजार से भीमपुरा पंचायतर पराजित सरपंच प्रार्थी पुतुला बहु बोली जमापड़ा महिला उग्र आचरण देखि से तुरंत स्थान छाड़ पलायस पीसीआर भ्यान और थानाधिकारी फोन में जन श्री पलई कहते पर घटना संपर्क में थाना लिखित अभियोग क्रमे पुलिस संप्रक्त महिला और गंडगोल भिहाइवा अन्य जनक नाम मामला रुजुरी श्री पलई सूचना देखते पंचायत निर्वाचन में पराजय पर आक्रोशमूलक भाव पराजित प्रार्थी पर सदस्य बारंबार गंडगोल उद्यम एवं पर महिला द्वारा अपमानित करने घटन पुलिस उपयुक्त तदंत कर महिला और तांकसह संप्रक्त व्यक्ति को गिरफ्तार श्री पलई दावी कर मुँ प्रेजेन्ट सरपंच भीमपुरा पंचायत हजबैंड भीमपुरा पंचायत सरपंच हजबैंड गत शनिवार दिन मु मणिबाग सारी फेरुली टाइम प्राय साढ़े सात रू आठ भितर हो भीमपुरा छक पाखे पर किणुच हठात रास्ता जाम हो गला स्कूल गाड़ी गुडा सब छिड़ा होगा आसिक पूरा रास्ता जाम मु देख ली आगर गोटे रेड कलर कार जार गाड़ी नंबर ओडी जीरो टू बी क्यू 4321 रास्ता उपरे छिड़ा होती मुझे गाड़ी कहार भी जानी मुझे तो आसिक पचारि ना आज गाड़ा कार से जो लेडीज जन थे बेबी पंडा बोली भल ना सोनमुद्रा पंडा पंडा तो सोनप्रभा पंडा तो मुझे पचारि मैडम गाड़ा कार ना मोर मुझे सैड कर दिखाँ रास्ता पूरा ब्लक होगा स्कूल टाइम होगा से हठात उत्क्षिप्त होठात एग्रेसीव हो कहला गाड़ी सीट ढाव तो बाप सोलह रास्त ढा कर गाड़ी तो बाप रास्ता से मैडम एभ क्या रास्ता जाम है गाड़ा सैड करदे तापर से सहित जन थे गजेन्द्र कर बोलू से कहला आम गाड़ी उठेबूनि मुझ गाड़ी उठे मैंने रास्ता बंद होगा रास्ता ब्लक करते किए ये कहार से मतलब जितकी अश्लील भाषा मैंने जो भाषा आम जो पुरुष लोक भी कही पार्बन से नारी कमी गोटे समाज सामने गोटे छक उपरिक भाषा प्रयोग कला मत मैं कि रिप्लाय देखा बाट पाइल लास्ट में कौन अभद्र भाई आप कथबार्ता करते कह मैं चपल उठे तो मारे मुझ लास्ट में निजी इरीटेट भाविकी मैंने इरीटेट हो पलि आसली मुझे फोन कली पीसीआर मैन को फोन कली आईएसी सहित जोजोग कली मैं सर यह घटना गाड़ी गुड़ा रास्ता पर ब्लक करके छिड़ा होती पचरे स्कूल गाड़ी जाम पिला मानकर स्कूल टाइम है गाड़ी मैंने भी रिटेड है तो मुझे जो कहवाटा मोर भूल ना आप ये करूँ ना आप रिटर्न आगे लिखी दिखाँ मुझ गाड़ी पठाऊँ तो पिसार गाड़ी आसिक पहुंचला मुझे पलि आसला जो जन भद्र व्यक्ति जन थे जाना पाली से पलिया दूली अच्छे उपस्थित अच्छा सी से अपोज कले से अपोज कले मैडम कहीं तो आपको किसी खराब कथ कहे आप गाड़ी सैड करने कहे भी से मैंने अश्लील भाषा गाड़ी गोल करने सहित भी चपल उठाक उद्यत है जो खुड़ी शाशु जी खुड़ी शाशु मो मिसेज एग्नेस्ट ढाई थे से हारी से हारवाटा को सहजे ग्रहण कर पार्ना से हारवाटा को सहजे ग्रहण कर पार्ना तो से किसी एभिया कमेंट मार्च पचाड़े मार्च देखे लेडीज माध्यम को लेकिन मानते मिथ्यार केस जेने लेडीज केसटा जेनेली स्ट्रंग हुए ना मोर आपम प्रशासन को अनुरोध प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो जदि मोर भी किसी भूल थी मुझे दंड पाइबा रेडी अच्छे आज जदि मोर किसी भूल नपन प्रशासन को विरोध में कठोर कठोर कार्यानुषान ग्रहण कर
ଆଉ ପଦେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଯେ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳିଆ ପୁଲେ ବୁଲି ଡାକିନି ଏହା ସମାଧାନ କରିବା ସେ ଡର ଯାଇକି ଲୁଚିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି ଟୋଟାଲି ଆଉ ସେ କି ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେ ଭଦ୍ରମୁଖା କହୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ଭଳିଆ କଲେ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛୁ କାହିଁକିନା ଜଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଜଣେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଛି କି ଆଟାକ୍ କରିଛି କି କ'ଣ କିଛି କରିଛି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଚୁପ୍ ରହିବ କୌଣସି ହଜବେଣ୍ଡ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିବ କି ହଜବେଣ୍ଡ ଚୁପ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଇଏ ବାଇଟ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଇଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କେଇଟା ମିଛ କେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମର ସତଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରପଞ୍ଚ ରୀତାଞ୍ଜଳି ପଲେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହା ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଭଗବାନ ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସୁବଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଚନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ନୟନ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।